ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा है इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी हो लगाएगा। उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। आखिर क्या है भवानी की कहानी? क्या मास्टर से जुड़े लोगों को होने वाली है तकलीफ? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। कोई भी इंसान पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता है, हालात और बाकी चीजें मिलकर उसे एक ऐसा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर देती हैं जो वो अपनाना नहीं चाहता। कुछ ऐसी ही कहानी थी भवानी की भी। भवानी एक छोटा सा बच्चा था जो आम बच्चों की तरह अपना बचपन बिता रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पूरी जिंदगी और सोचने का तरीका ही बदल गया जब उसने अपने ही पिता की मौत देखी अपनी आंखों के सामने। और उनकी मौत की वजह ये थी कि उन्होंने किसी से पैसे लिए थे और वो वक्त पर उसे चुका नहीं पाए, और बस थोड़े से पैसों के लिए एक बच्चे ने अपने पिता को खो दिया बिल्कुल अपनी आंखों के सामने। भवानी के मन में दिन ब दिन आग बढ़ती ही जा रही थी और जब तक उसने उस इंसान को मार नहीं दिया उसे शांति नहीं मिली। अपना बदला लेने के बाद भी भवानी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वक्त के साथ उसका लालच भी बढ़ता ही जा रहा था, और वो कब क्रिमिनल की जिंदगी जीने लगा ये उसे भी नहीं पता चला। पर कहानी में हर कोई बुरा बने ये तो जरूरी नहीं होता। ठीक उसी तरह एक कहानी मास्टर की भी थी जिसने अपनी बहन को बचाने के लिए कानून को अपने हाथों में ले लिया था। मास्टर का बचपन भी वैसा नहीं था जैसा एक आम बच्चे का होता है। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था सिवाय उसकी बड़ी बहन मीरा के, जो बिल्कुल माँ की तरह उसका ख्याल रखती थी। लेकिन बहन का पति मास्टर को बोझ मानता था और रोज दारू पी के उसकी बहन को मारता था। वक्त के साथ मीरा के पति का मीरा पे हाथ उठाना भी बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन इन सबसे तंग आकर मीरा अपने भाई के लिए अपनी माँ के गहने और एक चिट्ठी छोड़कर जाती है जिसमें लिखा होता है कि मुझे माफ करना जय, मेरे भाई मैं तुम्हारा साथ छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के पीछे एक वजह है और मेरी एक बात मानना, तुम पढ़ लिख के एक अच्छे आदमी बनना जिसपे मुझे गर्व हो। तुम्हारे लिए माँ के कुछ गहने रखे हैं, तुम अपनी पढ़ाई के लिए उन्हें बेच देना, तुम्हारी बहन मीरा। और मीरा सुसाइड कर लेती है। जब छोटा मास्टर अपनी बहन की लाश देखता है तो उसे ये बर्दाश्त नहीं होता और वो मीरा के पति को गुस्से में धक्का दे देता है, जहां वो टकरा जाता है दारू की टूटी हुई बोतल से और उसकी मौत हो जाती है। फिर मास्टर को जुवेनाइल सेंटर में भेज दिया जाता है और वहाँ वो अपने बिहेवियर और अपनी बहन की बोली बातों को फॉलो करता है, जहाँ वो अपनी मेहनत के दम पे एक प्रोफेसर बन जाता है। अब दोस्तों, मास्टर और भवानी दोनों की ही तकदीर एक ऐसा मोड़ लेगी जहाँ ये दोनों ही आएंगे एक दूसरे के सामने। कैसी होगी आखिर इनकी ये मुलाकात? किस किस स्टोरी का वर्जन आपको लगा बेस्ट और क्यों, हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर हैं किरण यादव।